हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंदुसेंड बैंक और यस बैंक के बारे में, क्योंकि दोस्तों इंदुसेंड बैंक में बहुत ज़्यादा गिरावट हो रही है और किस लेवल पे खरीदारी करना चाहिए ये भी लोगों को अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, क्योंकि उसमें गिरावट अभी भी कंटिन्यू है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आप देख रहे हैं परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट और इस यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला है, जिससे आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर लॉस है तो एग्जिट भी कर सकते हैं। दोस्तों अभी मैंने थोड़ी देर पहले, देख सकते हैं 7 मिनट्स आगो, मतलब कि दोस्तों 7 मिनट पहले मैंने एक वीडियो अपलोड मारा है जिसमें दो कंपनी जो है बहुत हेवी गिरावट होने वाला है, हो सकता है कि डूब जाए, मतलब खत्म कहानी हो जाए। दोस्तों अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो मैं चाहता हूँ कि मिस मत कीजिएगा, और हो सकता है कि आपने हेवी क्वांटिटी बाय किया होगा उस कंपनी में। बहुत पॉपुलर कंपनी है, यहां पर देखिए मैंने साफ साफ लिखा है देश के सबसे इज्जतदार और पॉपुलर दो कंपनी डूबने वाली है। तो प्लीज अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, ये आपके बेनिफिट के लिए है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इंडसइंड बैंक के बारे में। इस ये देख सकते हैं ये जो हाईएस्ट बनाया था अराउंड 1600 को टच ही करने वाला था, लेकिन टच करने से पहले ही, पहले तो यहाँ पर देखिए टच कर चुका था, लेकिन सेकेंड टाइम जब इसने टच करने गया उसके बावजूद क्या ऐसा हुआ कि इस बैंक में इतना गिरावट हुआ और ये जो स्टॉक है 1300 के आसपास पहुँच गया। और उसके बाद यस बैंक में भी ऐसा क्या हो रहा है कि इसका प्राइस जो है नीचे आता जा रहा है, क्या ये दोनों स्टॉक का प्राइस ऊपर नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा दोस्तों, इस बैंक में गिरावट हो रहा है ये दोनों में, तो दोनों का वजह एक है, दोनों का इंटेंशन एक है, दोनों का पर्पस एक है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों वोडाफोन आइडिया के ऊपर एक बहुत बड़ा पेनल्टी लग चुका है, बहुत बड़ा पेनल्टी। वो कहाँ से लगा है? सुप्रीम कोर्ट के वजह से लगा है, और वहाँ पर जो एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू पे ना करने के वजह से वोडाफोन आइडिया को अपना कारोबार समेटना पड़ सकता है। लेकिन वोडाफोन आइडिया को कुछ भी होता है तो इन सबको क्यों नुकसान होता है? जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, यस बैंक और जो है इंडसइंड बैंक, दोस्तों ये दोनों में क्यों ज़्यादा ज़्यादा गिरावट हो रहा है, ठीक है? क्योंकि सबसे ज़्यादा लोन देने वाली कंपनी यस बैंक है और इंडसइंड बैंक है, और उसके बाद जो भी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल, ICICI, वो उन्होंने बहुत कम दिया है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं यस बैंक का 2.1 है और इंडसइंड बैंक का यहाँ देख सकते हैं 2 है, ठीक है? तो इसीलिए अभी देखिए इस बैंक में, इंडसइंड बैंक में ज़्यादा से ज़्यादा गिरावट हो रही है। तो मैं बोलूँगा कि जब तक वोडाफोन आइडिया को रिलीफ नहीं मिल जाता तब तक इसमें जो है कम से कम इसको 500 करोड़ से भी, देख सकते हैं दोस्तों 5000 करोड़ से भी ज़्यादा इंडसइंड बैंक ने जो है इन्वेस्ट किया है या लोन दिया है वोडाफोन आइडिया को। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं एक्सपोजर टू वोडाफोन आइडिया, इसी वजह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा लॉस हो रहा है। और वोडाफोन आइडिया खुद के यहाँ देख सकते हैं स्टॉक में कितना गिरावट हुआ है, अराउंड 25% का। लेकिन जब मार्केट ओपन हुआ था तो जो लोएस्ट लगाया था, लोएस्ट दोस्तों ये जहाँ दिख रहा है 25, आपको 30% का गिरावट देखा गया था, उसके बाद थोड़ा सा रिकवरी हुआ है। और मैंने दोस्तों लास्ट वीडियो में वोडाफोन आइडिया के बारे में पूरा फंडामेंटली दिखाया कि जितना इसके पास असेट है उससे ज़्यादा दोस्तों इसके पास कर्ज है, और उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर जो पेनल्टी लगा दिया है, और इसका जो एक डिसएडवांटेज, मतलब बहुत बुरी तरीके से इसलिए पीटेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1 सप्ताह के अंदर जो है इसको अपना पैसा देना पड़ेगा एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू का, क्योंकि पहले से जो पैसा था पुराना वो भी देना पड़ेगा, अभी तक एक बार देना पड़ेगा। तो एयरटेल को ज्यादा नुकसान नहीं होगा और जियो को भी ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन आइडिया को ज़्यादा नुकसान होगा। और ये सारे जो बैंक है, यहाँ तक कि आपको दोस्तों इस बैंक में भी, SBI बैंक में भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान देखा गया होगा आज के डेट में। उसका भी शेयर प्राइस देखिए बहुत ज़्यादा गिरावट हुआ है, बिल्कुल इसी के वजह से। तो ये एक पर्टिकुलर वजह है जिसके वजह से ये तीनों में गिरावट देखा जा रहा है। तो अब ये कुछ लोग ऐसा भी पूछना चाहते हैं कि कब ऐसा होगा जिस दिन ये सारे का पॉजिटिव न्यूज़ आएगा और इसमें पॉजिटिविटी देखी जाएगी। जब आइडिया का देख लीजिए, यहाँ पर जब आइडिया में एक अच्छी न्यूज़ आने को दिखेगी आपको, जिस दिन इसका जो है प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा, जितना भी इसने पेनल्टी लिया है सारा दे देगा, उसके बाद ऑटोमेटिक जो है आपको इसमें भी
काफ़ी अच्छा परफॉर्म देखा जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, येस बैंक या इंडसइंड बैंक, तीनों में आपको थोड़ा पॉजिटिविटी दिखेगी। लेकिन एक चीज़ और इंपॉर्टेंट क्या है कि जिन्होंने इस बैंक को खरीदा होगा या इस बैंक को, किसी भी बैंक को, तो क्या करना चाहिए, अभी निकल जाना चाहिए? देखिए, अगर आपने थोड़ा भी ऊपर हाइयर प्राइस में खरीदा है तो मैं बोलूँगा होल्ड कीजिए, ये तीनों बैंक को आप होल्ड कीजिए, कुछ भी नहीं होगा। हाँ, लेकिन येस बैंक में थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि इसमें बहुत लोग फंसे हुए हैं। मैं इसका जो है बोलता हूँ, इसका जरूर जो है इसका प्राइस ऊपर आएगा। अभी देख सकते हैं 1300, ये 1500 के आसपास, फिर जो है 1500 के आसपास जाने का जरूर कोशिश करेगा, 1500 को टच करने का कोशिश करेगा ही करेगा, ठीक है। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन पहुंचेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फिर से देख सकते हैं, अभी 318 पे, ये भी दोस्तों 340 के आसपास आएगा, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसी वजह से ये सारे स्टॉक में आपको डाउनफॉल देखने को मिले हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी, आप लोगों को वेट करना चाहिए वोडाफोन आइडिया में, जब भी इसका सोल्यूशन आ जाएगा या गुड न्यूज़ आ जाएगा दोस्तों, सबसे पहले वीडियो बना के आप लोग तक पहुंचाऊंगा, ताकि जिन्होंने भी पहले खरीदारी किया है इंडसइंड बैंक, स्टेट बैंक या येस बैंक में, तो जम के खरीदारी करे और एवरेज कर ले और अच्छा से अच्छा प्रॉफिट जनरेट करे। तो चलिए, यही वीडियो पर समाप्त करते हैं। बस यही बताना चाहता था, इस वीडियो का पर्पज़ था दोस्तों कि जिस वजह से स्टॉक गिरा है, अगर वो वजह जो है साफ हो जाएगा तो स्टॉक में फिर से अपर सर्किट लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके इंक्रेज कीजिएगा दोस्तों। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी हम वीडियो अपलोड करेंगे वोडाफोन आइडिया के बारे में।